हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? हम यहाँ पर आपके जो सोशल साइंस में जो बुक है सिविक्स की, जो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। ठीक है, लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों। देखिए, इससे पहले आपका एक फर्स्ट चैप्टर इससे पहले भी होता था, जो कि अब सिलेबस में नहीं है, उसको हटा दिया गया है, डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। उस चैप्टर को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। अब चैप्टर आपका 1 आप देख ही रहे हैं यहाँ पर, तो आपका चैप्टर अब यही है, चैप्टर 1। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, हम इसके बारे में देख लेते हैं एक बार। पहले इसका ओवरव्यू देख लेते हैं, व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। व्हाट आर इट्स फीचर्स, इसके फीचर्स क्या क्या हैं। ठीक है, इसके अलावा दिस चैप्टर बिल्ड ऑन ए सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो हम इस चैप्टर की शुरुआत में हम बहुत सरल परिभाषा से हम इसकी शुरुआत करेंगे। स्टेप बाय स्टेप वी वर्क आउट ऑफ द मीनिंग ऑफ द टर्म्स इन्वॉल्व इन दिस डेफिनेशन, स्टेप बाय स्टेप, बारी बारी से। उसके बाद हम मीनिंग को समझते हुए इस टर्म्स में, इस डेफिनेशन में कौन कौन सी टर्म्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, इन बिंदुओं का व्यवहारिक कर जानेंगे उसके बारे में। इसके अलावा द एम हेयर इज टू अंडरस्टैंड क्लियरली बेयर मिनिमम फीचर्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के मिनिमम फीचर क्या क्या होने चाहिए, उनकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर वी शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश ऑफ ए डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इसके अलावा हम इसका कंपेयर करेंगे डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उनमें क्या क्या अंतर है, एक लोकतांत्रिक सरकार और गैर लोकतांत्रिक सरकार में क्या बुनियादी अंतर है, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अंतर इसके क्या क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी स्टेप बाय स्टेप बियॉन्ड दिस मिनिमम ऑब्जेक्टिव एंड इंट्रोड्यूस ए ब्रॉडर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। और चैप्टर के अंत में हम जो हम मिनिमम डेफिनेशन से हम आगे बढ़े थे, हम एक ब्रॉड डेफिनेशन पर पहुंच पाएंगे कि इसकी जो डेमोक्रेसी के जो मिनिमम जो फीचर्स हैं, उसके आगे बढ़ते हुए हम इसके ब्रॉड जो इसकी डेफिनेशन है उसके बारे में हम जान सकेंगे। ठीक है, डेमोक्रेसी इज द मोस्ट प्रिवेलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टुडे एंड इट इज एक्सपेंडिंग टू मोर कंट्रीज। तो हम सभी लोग जैसा कि देख रहे हैं, जानते हैं कि डेमोक्रेसी वर्ल्ड में ज़्यादातर देशों में डेमोक्रेसी ही है और ज़्यादातर कंट्रियाँ इसको अडॉप्ट कर रही हैं, ये लगातार बढ़ता गया है। ठीक है, शुरुआत कहाँ से हुई थी इसकी, अमेरिका, ब्रिटेन, इन सब देशों से इसकी शुरुआत हुई थी, फ्रांस, और ये आगे बढ़ता ही गया है। जो जो देश सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज़ाद होते गए, आज़ादी के बाद में ज़्यादातर देशों ने डेमोक्रेसी को ही अडॉप्ट किया। ठीक है, बट वाई इट इज सो, डेमोक्रेसी ही क्यों, वट मेक्स इट बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, इसमें ऐसा क्या है कि अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से बेटर ही है, इसको ही सभी देश अपना रहे हैं। डेट इज़ द सेकेंड बिग क्वेश्चन, ये हमारा सेकेंड बिग क्वेश्चन है जो कि हमें इस चैप्टर में, हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। व्हाट इज डेमोक्रेसी, वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। देखिए, ये सब जो लिखा गया है, एक्चुअली इसमें ये सब जो इसमें फर्स्ट चैप्टर जो था पहले, उसके बिहाव पर, उसके बेस पर लिखा गया है। इसमें फर्स्ट चैप्टर जो हटा दिया गया है, डेमोक्रेसी इन दैट कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, तो उसमें काफ़ी देशों के बारे में, काफ़ी जिन देशों में डेमोक्रेसी थी है,
और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में डिस्कस किया गया था, और इस चैप्टर को हटा दिया गया है। उसी चैप्टर के बेस पर ये बातें हो रही हैं इसमें, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंड ऑफ डेमोक्रेसी सो फार मेंशनिंग ए फ्यू एग्जाम्पल राइट डाउन सम कॉमन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप उस चैप्टर की बेस पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, देखिए आप ये थोड़ा सा नेट पर भी सर्च करके कि कौन कौन से कंट्रीज डेमोक्रेटिक हैं, कौन कौन से नॉन डेमोक्रेटिक हैं, तो उनमें क्या क्या डिफरेंट फीचर्स हैं, ठीक है। तो उनके बारे में थोड़ा सा आप लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्लियर होगा। थोड़ा देखिए कि इसमें इन दोनों में डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में उनके जो फीचर्स हैं, जो वहाँ के जो सिटीजन्स को जो राइट्स मिले हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंट है, ठीक है। उनकी जो गवर्नमेंट है तो उसके चुने जाने में, उसके एस्टेब्लिशमेंट में, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जहाँ पर इलेक्शन होते हैं उनमें क्या अंतर है, ठीक है। सिटीजन्स को जो राइट्स मिले हैं उनमें क्या क्या अंतर है, क्या डिफरेंट है,